एक विशेष प्रोग्राम हम करेंगे यहाँ पे, और उसमें जो हमारे पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर एंटीना बोलते हैं, लेकर एंटीना क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस है, नैनो टेक्नोलॉजी का एक डिवाइस है ये, और इसमें ये फ्रीक्वेंसी बेस पे बहुत सारी चीजें हम लोग स्कैन कर सकते हैं। हर चीज दुनिया में वाइब्रेट करती है, और हर चीज जो भी वाइब्रेट कर रही है, जो भी चीज रेजोनेंस कर रही है, उसकी एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है, और जब उस सेट फ्रीक्वेंसी का आपको पता हो तो आप उसको स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहां पर हम जो फ्रीक्वेंसी रीड करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, वो है आपका 1.1 फ्रीक्वेंसी। 1.1 फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आर यू कनेक्टेड विद डिवाइन एनर्जी और नॉट, ये डिसाइड हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट से। यदि आपका सिस्टम डिवाइन एनर्जी से प्रॉपर कनेक्टेड है, आपके पास डिवाइन एनर्जी का फ्लो सीधा ठीक से चल रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। किंतु अगर डिवाइनिटी और जो आपका एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी, अगर उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक उसी तरह जैसे पतंग जब तक डोर से बंधी हुई है तब तक वो हिलाती हुई आकाश में ऊंची उड़ान भरती है, और जैसे डोर से टूटती है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। तो अब हम यहां पर एक चेक करेंगे कि कितने लोग हैं जो उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और कितने लोग हैं जो उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है। किंतु उसमें निराश होने वाली बात नहीं है, कुछ लोग कहेंगे भाई अब तो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, हमारी तो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। उसका हमने एक यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास वेद पाठी ब्राह्मण है, वो लोग जो है अष्टोपधान सेवा मंत्रों से चारों वेदों के मंत्रों का पाठ करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे, पुष्प और अक्षत आपके ऊपर डालेंगे, आशीर्वाद मुद्रा में आपको आशीर्वाद देंगे, और उससे जो एनर्जी का जो सर्किट है आपका, जो एनर्जी डिस्कनेक्ट जो आपकी एनर्जी हो रही है वो रिकनेक्ट हो जाएगी, पुनः जो है ऊर्जा आपके सिस्टम में आ जाए, आपका ऑरा और वो जो डिवाइन एनर्जी है उसके साथ पूरी उसके सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली हो जाएगी। अब इसके लिए थोड़ा ये है कि मुझे खड़ा होना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति को चेक करना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और दो ग्रुप बनेंगे, ए और बी ग्रुप, जो जिनकी डिवाइन एनर्जी एब्सेंट होगी उनको हम थोड़ी देर आगे बैठाएंगे और उन पर एक प्रयोग करेंगे, और उस प्रयोग को फिर बाद में चेक करेंगे कि हम कितने कामयाब हुए अपने प्रयोग में। तो आइए शुरू करते हैं सेकेंड सेशन। देखिएगा अभी हमने क्या किया था, लेकर एंटीना से आपको हमने चेक किया था, हमने क्या चेक किया था, कनेक्टिविटी विद डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट यस और नो। होता क्या है कि डिवाइन एनर्जी क्यों एब्सेंट हो जाती है, जब हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जब हमारा कोई नियम कहीं उल्टा सीधा हो गया, किसी गलत जगह चला गया, गलत खान पान कर लिया, गलत आदमी से मिल लिए, तो कोई कर्म टूट रहा है आपकी दिनचर्या में, कोई कर्म टूट रही है। आप जैसे डेली प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ दिन छूट गया आपको पता नहीं चलेगा, पर ये बता देगा इंस्ट्रूमेंट कि गड़बड़ हो रखा है कुछ। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, शिवरात्रि का जो पुनीत पावन अवसर है उस पर हम लोग शिवार्चन कर रहे हैं, और उस शिवार्चन के बीच में ही हमने एक प्रयोग किया है, और इस प्रयोग में कितने लोग हैं अभी आप टोटल कितने, तीन, सात लोग हैं, दस लोग हैं। तो कुल जो है 10 लोग हैं, जहां पर जो डिवाइन एनर्जी की जो कनेक्टिविटी है वो जो है
वहां पे खड़ी नहीं है, मतलब बनने रही है, लेकर एंटीना ने उसमें नो दिखा। अब आपने क्या करना है, आपके पीछे तीन ब्राह्मण है, वो जल वृष्टि करेंगे, पुष्प वृष्टि करेंगे, अक्षत वृष्टि करेंगे, और तीन हमारे साथ वेद पाठी ब्राह्मण है, तो यहां से अष्टावधान सेवा वेद चारों वेदों के मंत्रों का एक एक ऋचा का पाठ करेंगे, और आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे उस दिव्य ऊर्जा को बुलाने के लिए कि आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी रिक्रिएट हो। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बोलेगा कोई नहीं बीच में, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपने हाथ ऐसे रखना है, सभी लोग देख लीजिए, आपने ऐसे हाथ रखना है, जब तक आपको बोला नहीं जाए आंखें खोलने के लिए तब तक आपने नेत्र नहीं खोलने, आपने जेब से मोबाइल हटा दीजिएगा, मोबाइल जेब में नहीं रखना है क्योंकि मोबाइल जो है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करता है, तो मोबाइल पीछे कर दीजिए। अब अपना हाथ ऐसे रखिए घुटने पे, हथेली का रुख आसमान की तरफ, और देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए आपने करना क्या है, और इसके लिए आपको अगर आप रोज करेंगे तो आपके बड़े अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब आपने ऐसा करना है, लंबा सांस भीतर भरना है नाक से, लंबा सांस जितना लंबा भर सकते हैं आप, और मुख से छोड़ना है, मुख से मतलब इतने धीरे धीरे छोड़ना है जितना धीरे छोड़ सके, लंबा श्वास जितना लंबा श्वास भरेंगे नाक से और जितना धीरे धीरे कर छोड़ेंगे मुख से उतना आपको अच्छा प्रेरणा मिलेगा। एक तरह का भस्त्रिका प्राणायाम है, अग्नि पुराण के अंदर ये विधि है, भस्त्रिका प्राणायाम ये ऐसा प्राणायाम है जो उस डिवाइन एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट कर देगा। अब आप समझ गए, आपने हाथ ऐसे रखा, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, लंबा श्वास भीतर भरना है, लंबा जितना लंबा ले सकते हैं धीरे धीरे करके श्वास भीतर खींचिए, मुख से निकालिए, मुख को पक्षी की चोंच की तरह बना लीजिए, धीरे 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 करके छोड़िए। कहते हैं सबको भी नहीं होना चाहिए अगर आपके नाक के पास रखा जाए, और बाकी सभी लोग शांत रहिए, हाथ जोड़कर उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए, नमः शिवाय का जाप करते रहे मन ही मन, और आप अष्टावधान सेवा प्रारंभ करेंगे हमारे वेद पाठी ब्राह्मण, और आप जल दृष्टि अक्षत कुसुम पे छोड़ते जाएंगे, आपने एक क्रिया जारी रखनी है, प्रारंभ करेंगे। Amen.
करिए और उस डिवाइन से कनेक्ट रहिए। ओम शांति।